हेलो एवरीवन माय नेम इज़ नाज एंड आई वेलकम टू यू इन माय चैनल नास पाठशाला टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या फिर एग्रीमेंट आज के इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वो आपके मैंने इस एक ही क्लास में सारे ही कवर किए हैं तो आई होप सो कि आज इस जब आप इस वीडियो को फुल्ली देख लेंगे तो आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो फियर है डर है कि आखिर ये सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट होता क्या है तो आज आपका जो है डाउट बिल्कुल ही जो है क्लियर हो जाएगा क्योंकि आज मैंने इसमें जो है जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वो सारे ही कवर किए हैं सो लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड वी कैन कॉल ऑल्सो अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने ये ग्रामर में कई बार सुना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है या फिर सब्जेक्ट वर्क कॉन्कर्ड क्या होता है सो so, आज हमारा जो वीडियो है जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज हम इस वीडियो में जितने भी रूल जो है होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तौर पर वो सारे रूल आज हम इस वीडियो में देखेंगे सो लेट्स स्टार्ट रूल फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर या सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट होता क्या है तो बेसिकली ये वो होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए प्लूरल है तो प्लूरल होनी चाहिए तो सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे को मैच करने चाहिए के वो किस तरीके से जो है किसी भी तरीके की जो है कॉन्ट्रीडक्शन ना हो तो इसीलिए रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम ग्रामर में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर प्लूरल है या प्लूरल तो किस तरीके से जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है नंबर ऑफ वर्ब है वो डिपेंड करती है सो लेट्स स्टार्ट रूल फर्स्ट सिंगुलर वर्ब इज यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब इज़ यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट so रूल है हमारा कि अगर सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ हमेशा क्या वर्ब यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज होगा अगर प्लूरल वर्ब है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ही यूज होगा तो फर्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं हम तो सबसे पहले हम सिंगुलर के तौर पर एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही आना चाहिए सो लेट्स मोहन रीड्स ज बुक सिंपल सा अब हम देख सकते हैं मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां वर्ब जो है आप देखिए वर्ब भी क्या है सिंगुलर है मोहन रीड्स हिज बुक नेक्स्ट ए स्टार इज वेरी ब्राइट यहां स्टार देखिए ए स्टार तो सिंगुलर है तो यहां वर्ब भी सिंगुलर है नेक्स्ट ए रिवर इज वेरी यूजफुल ए रिवर मीन्स सिंगुलर एंड वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर नेक्स्ट ए काउ गिवस अ स्मिल्क गाय हमें क्या देती है दूध तो यहां ए काउ है ना कि काउज है तो ए काउ सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब्स गिव्स क्योंकि जैसे हमने टेंस में पढ़ा था एस या एस जब आता है दैट इज कोल्ड सिंगुलर अगर जो है सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे सो so, टेंस में मेरा एक और वीडियो आने वाला है वो आप देख सकते हैं नेक्स्ट में तो आपको टेंथ से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे सो आई एम जस्ट गेट बैक टू माय टॉपिक सी इज प्लेइंग शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब रानी वॉज सिंगिंग रानी जो है क्या कर रही थी गाना गा रही थी तो रानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है नेक्स्ट ही हैज कार ही सिंगुलर सब्जेक्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस है लेकिन यहां पर सिंगुलर है तो यहां पर क्या यूज होगा हैज यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी टेंस देखे हैं अभी जितने भी हमने सेंटेंसेस देखे हैं ये अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग है फर्स्ट हमारा जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं यहाँ पर और ये पास्ट जो है कंटिन्यू टेंस का है और यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है लेकिन टेंस चाहे कुछ भी हो चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो फ्यूचर हो लेकिन हम हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है यूज करेंगे नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल्स है प्लूरल सब्जेक्ट्स को लेके तो प्लूरल वर्ब के साथ हमेशा क्या यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट सो देखते हैं हम प्लूरल मोहन एंड हरी रीड दैर बुक तो यहां मोहन एंड हरी दो पर्सन है एक नहीं है तो ये क्या हो गए प्लूरल सब्जेक्ट तो यहां पर इसके साथ जो है क्या यूज होगा प्लूरल वर्ब एक चीज ध्यान रखना अगर आप सोच रहे होंगे कि एस आता है वो प्लूरल होना चाहिए यहां पर तो एस एस है ही नहीं तो ये वर्ब फॉर्म्स है जिसके लिए आप अलग से जो है देख सकते हैं मेरे वीडियो जो वर्ब फॉर्म्स में आने वाले हैं आपको जो कंफ्यूजन है टेंस से रिलेटेड है वर्ब फॉर्म से रिलेटेड है आपको उसमें डाउट क्लियर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर जो है मोहन एंड हरी दो सब्जेक्ट है वो दोनों प्लूरल है क्योंकि दो बंदे हैं यहां पर तो यहां पर वर्ब भी प्लूरल यूज होगी नेक्स्ट स्टार्स आर वेरी ब्राइट सो स्टार्स एक तारा नहीं है एक स्टार नहीं है यहां पर स्टार्स के बारे में बात हो रही है तो यहां पर क्या यूज होगा आर क्योंकि आर हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है एक चीज़ ब्रीफली मैं आपको बता दूं इन सिंपल जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं मैं कि इज जो है ही शी इट के साथ हमेशा जो है इज यूज़ होता है सिंपल टेंस के अंदर ठीक है थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं मैं इसी चीज़ के लिए ताकि आपको जो है थोड़ा ईजी समझ में आ जाए ठीक है सो आप देखिए मेरी जो ये लिस्ट बना रखी है इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा ठीक है फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर आई के साथ हमेशा एम यूज होता है परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है और नेगेटिव में नॉट यूज होता है पास्ट में आई के साथ वॉज परफेक्ट टेंस के साथ हैड और आई के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है लाइक like डिडंट और फ्यूचर टेंस में सिंपली आई के साथ क्या यूज होता है शेल वी के साथ प्रेजेंट टेंस में आर यूज होता है हैव यूज़ होता है परफेक्ट टेंस में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है हमेशा और जब कभी भी अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं या इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तब डू यूज होता है और नेगेटिव के लिए डू नॉट यूज होता है इन द नेक्स्ट पास्ट टेंस में वी के साथ हमेशा हम वर यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में हैड यूज होता है एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है और इसके साथ हमेशा डिड नॉट यूज होता है और वी के साथ हमेशा फ्यूचर में शेल यूज होता है सेकेंड पर्सन के तौर पर एक चीज बता दू आपको फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई और वी यूज होता है सेकेंड पर्सन में वन एंड ओनली यू होता है यू के साथ प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में आर यूज होता है परफेक्ट टेंस में है यूज होता है और हमेशा इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है अगर आप इसे नेगेटिव में यूज करेंगे तो इसके साथ हमेशा नॉट यूज होता है और यू के साथ हमेशा पास टेंस के अंदर वर यूज होता है और परफेक्ट टेंस में हैड और फॉर्म ऑफ द वर्ब जो सेकेंड वर्ब वो फॉर्म होती है वो यूज होता है और अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो उसके साथ हमेशा डिड नॉट यूज होता है और फ्यूचर टेंस में विल ही यूज होगा ओके एंड इन द थर्ड फॉर्म ही हमेशा जो है ही शी इट या जितने भी नेम वगैरह होते हैं ये सारे हमेशा ध्यान रखना थर्ड पर्सन के तौर पर यूज होते हैं ये सारे के सारे चाहे ही शी इट यू ये ही शी इट ये सारे जो है दे है देम है ये सारे थर्ड पर्सन के तौर पर यूज होते हैं सो so, ही के साथ हमेशा इज यूज होता है प्रेजेंट टेंस सिंपल में और परफेक्ट मेंउन होता है ही हमेशा सिंगुलर नाउन होता है सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड यूज होता है एस ई एस यूज होता है एक चीज ध्यान रखना एस और ई एस हमेशा थर्ड पर्सन के साथ या फिर नेमिंग वर्ड्स के साथ ही यूज होता है और अगर आप निगेटिव बना रहे हैं तो वहां पर डज नॉट यूज होगा ही के साथ पास्ट फॉर्म में ही के साथ हमेशा वॉज यूज़ होगा और ही के साथ अगर परफेक्ट टेंस की बात करें हम सिंपली तो यहाँ पर हैड यूज होगा और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी अगर आप सिंपली पास्ट टेंस की बात करेंगे तब और अगर नेगेटिव बना रहे हैं आप तो डिड नॉट यूज़ होगा और फ्यूचर के तौर पर यहाँ पर सिर्फ आपका विल यूज़ होगा शी या फिर नेमिंग वर्ड्स जो मैंने यहां लिखा है नेमिंग वर्ड्स तो शी और नेमिंग वर्ड्स इसके साथ हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट टेंस में जी इस और परफेक्ट टेंस के साथ हैस एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा और उसके साथ एस और ई एस आएगा नेगेटिव में जब हम बनाएंगे तो बनेगा डजेंट पास्ट टेंस में अगर हम बात करें तो शी के साथ हमेशा वॉज यूज़ होगा परफेक्ट टेंस में हैड यूज होगा और जब कभी भी अगर आप शी के साथ पास्ट टेंस बना रहे हैं सिंपली तो हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी और नेगेटिव में डिड नॉट और फ्यूचर टेंस में सिर्फ हम विल यूज करेंगे इट भी थर्ड फॉर्म के साथ ही आती है थर्ड पर्सन के साथ सो so इट यूज होगा इसके साथ प्रेजेंट टेंस सिंपल में परफेक्ट में हैज और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ई एस एंड Doesn't, was in the simple past tense और perfect tense में had use होगा और simply अगर past tense की अगर बात करें तो हमेशा second form of the verb use होगी and did not और future tense में will he use होगा they और plural noun जो भी plural noun होते हैं they है और plural noun क्योंकि they अपने आप में ही plural noun होता है so pronoun now you can see दे के साथ हमेशा सिंपली आर यूज होता है और परफेक्ट में have और जब कभी भी आप simply use कर रहे हैं इसके साथ तो की फर्स्ट फॉर्म होगी और negative में होगा. की बात करें तो दे के साथ हमेशा वर परफेक्ट टेंस के साथ हैड और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी और दोंट यहां पर जो है फ्यूचर टेंस के साथ सिंपली विल होगा इसकी एक ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो आप आप गौर कीजिए थोड़ा सा अगर आप गौर करें इस पर तो आप पाएंगे देखिए थर्ड पर्सन जो ही शी इट दे ये सारे जितने भी हैं इसके साथ एक सिंपली आप देखिए सभी के साथ सिंपली जो है वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो सभी में देखिए आप बिल्कुल सभी में ही शी इट के साथ जो सिंगुलर है उनके सभी के साथ परफेक्ट टेंस भी सेम है सिंपल प्रेजेंट टेंस भी सेम है देखिए आप कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें तीनों ही टेंस के अंदर दे में देखिए यहां पर चेंज आ जाता है आर हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट फॉर्म में भी देखिए आप सभी में वोज यूज हो रहा है सिंगुलर में प्लुरल में वर्ब यूज हो रहा है सिंगुलर में और या प्लुरल परफेक्ट टेंस हमेशा सभी में सेम है देखिए हैड हैड, हैड हैड और सिंपल पास्ट में भी अगर आप बात करें तब भी सेम है देखिए Verb की सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आप नेगेटिव भी बनाएंगे पास्ट में तो बहुत अच्छी बात है इसमें भी सभी सेम है देखिए आप डिड not, डिड not, डिड नॉट एंड डिड नॉट और फ्यूचर टेंस में सभी में देखिए आप थर्ड पर्सन के साथ विल ही यूज होता है सो आई होप सो कि आपको यहाँ नॉलेज हो गया होगा थोड़ा बहुत टेंस का अब हम देखते हैं आगे के किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम पूरा कर पाते हैं ओके okay. सो so, हम थे प्लुरल सब्जेक्ट के साथ ठीक है अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मोहन जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए यहां पर एस एस आया है यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए इज यूज हुआ है ए रिवर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए यहां पर इज यूज हुआ है फिर एकाउ यहां पर भी जो है सिंगुलर एस ई एस के साथ यूज हुआ है शी इज रानी वाज ही हैज ए टीचर टीचेस तो यहाँ पर टीचेस ए टीचर क्या है सिंपली सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ ए टीचर ना कि टीचर्स तो ए टीचर जो है टीचेस तो यहाँ टीच होता है वैसे तो तो यहाँ पर क्या लगा है ये ई एस ओके तो ये सिंगुलर है नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट ऑल्सो मोहन एंड हरी रीड दर बुक सो यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है सो so, स्टार्स आर स्टार्स तो यहाँ एक से ज्यादा स्टार हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो स्टार्स आर रिवर्स आर तो रिवर्स यहाँ एक से ज्यादा रिवर है सो यू कैन सी आर काउज काउज तो एक से ज्यादा काउ है इसीलिए यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है प्लूरल सॉरी दे आर तो यहां प्लूरल सब्जेक्ट जो है प्लूरल वर्ब के साथ यूज हुआ है सिंपल टेंस है प्रेजेंट टेंस मेनी गर्ल्स मेनी गर्ल्स वर क्योंकि ये प्लूरल है इसीलिए प्लूरल यूज हुआ है पास्ट टेंस में दे हैव दे के साथ हमेशा क्या यूज होता है टीचर्स टीच अस ग्रामर सो टीचर्स टीच ओके सो फर्स्ट हमारा रूल जो था वो था सिंगुलर वर्ब इज यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब इज यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट सो लेट सी एक्सेप्शन आपको पता ही है ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी विदाउट एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता सी so, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर एम एंड वॉस इज़ यूज विद आई सिंगुलर आई एक इकलौता होता है जिसके साथ ये किसी से भी मैच नहीं करता ये हमेशा अपना राजा है किंग है हमेशा अपना जो है सिंगुलर रहता है ये किसी के साथ भी मैच नहीं करता है हमेशा किंग की तरह रहता है वैसे भी आपने देखा होगा आई हमेशा अपने आप में यूनिक ही होता है जैसे अगर हम खुद की भी बात करते हैं आई मे मे जो वर्ड है वो हमेशा अपने आप में इकलौता ही होता है अब दुनिया में वैसे हजारों नाम के इंसान हो सकते हैं लेकिन अगर पर्सनलिटी वाइज बात की जाए तो वो हमेशा इकलौता ही होता है तो इसीलिए आई अपने आप में जो है क्या होता है किंग होता है ओके सो आई के साथ हमेशा ध्यान रखना अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसके साथ एम आएगा और अगर पास्ट की बात करें तो वोज आएगा क्योंकि आई हमेशा सिंगुलर माना जाता है मतलब इकलौता क्योंकि आई हमेशा इकलौता ही होता है क्योंकि वो एक होता है ओके okay? सो so, आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हम एम यूज करेंगे और पास्ट टेंस में हम वोज यूज करेंगे ओके सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स आई एम इन क्लास टेंथ ओके सो आई के साथ यहां क्या आया है देखिए आप एम i was in class ninth so i was in the past tense okay so let's take that rule of two okay second rule two singular nouns or pronouns with the addition two singular nouns or pronouns with the addition of and बिकम प्लूरलर नाउन्स और प्रनाम चाहे वो दो सिंगुलर नाउंस हो सकते हैं या फिर दो सिंगुलर प्रनाम हो सकते हैं जिसके साथ अगर एंड लगा हुआ हो जिसके साथ क्या हो एंड हो तो वो हमेशा प्लूरल नाउन हो जाता है और देयर वर्ब इज ऑल्सो यूज एज ये क्या कह रहा है हमें अगर दो सिंगुलर नाउंस या फिर दो प्लूरल प्रनाउंस ठीक है दो सिंगुलर नाउंस हो या फिर दो सिंगुलर प्रनाउंस हो दोनों ही अगर सिंगुलर है लेकिन अगर उनके बीच में एंड आ जाता है तो वो क्या बन जाते हैं प्लूरल नाउंस और प्लूरल नाउंस अगर बन गए तो उनके साथ वर्ब भी क्या यूज होगी प्लूरल ओके सो लेट सी द एगाम्पल फर्स्ट मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स ओके सो मोहन एंड सोहन दे बोथ आर द सिंगुलर नाउन यू नो मोहन इज ऑल्सो वन पर्सन सोहन इज ऑल्सो वन पर्सन

जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं नेमिंग वर्ड्स या नाउन जिसे हम कहते हैं नाउन सिंपल तो नाउन को क्या कहते हैं जितने भी दुनिया में नेम है नेमिंग वर्ड्स है वो सारे नाउंस में कहा जाता है ओके सो मोहन एंड सोहन दोनों ही सिंगुलर नाउन्स है एंड के साथ जुड़ गए भाई देखिए आप एंड के साथ जुड़ गए तो यहाँ क्या आ गया प्लुरल वर्ब क्योंकि रूल ही यही है अगर दो सिंगुलर नाउन्स या फिर दो सिंगुलर प्रोनाउन अगर एंड के साथ यूज होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं प्लूरल ओके लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स अब देखिए रूल ये दोनों है प्रनाउन ओके okay. यू अपने आप में इकलौता है आई भी अपने आप में इकलौता है हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है लेकिन यहाँ पर बीच में कुछ कहानी में क्या है ट्विस्ट है तो यहां पर एंड यूज हुआ है तो हमारा सेकंड रूल क्या है कि अगर दो सिंगुलर प्रोनाउन भी हो और उसके बीच में अगर एंड आ जाता है तो हमेशा क्या यूज होता है प्लूरल वर्ब यूज होती है ओके सो इसीलिए यहाँ पर आर आया है अब देखिए यहां पर कहानी में ट्वेस्ट ओके okay. बट यहां ये देखने वाली बात है नोट वाली क्या क्या एक्सेप्शन दिया है इसने बट इफ टू सिंगुलर नाउंस और प्रनाउंस डिस्क्राइब वन एंड द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब इज यूज विद देम इज यूज एज सिंगुलर फॉर एग्जाम्पल्स सिंपली समझाओ आपको इसने हमें बोला है अगर दो सिंगुलर नाउंस हो या फिर दो प्रिल, जो है सिंगुलर प्रनाउंस हो अगर वो किसी किसी एक एक चीज़ को किसी एक को पर्सन या किसी एक चीज को डिनोट करते हैं तो उसके साथ हमेशा क्या यूज होता है सिंगुलर ओके okay. तो वर्ब उसके साथ हमेशा सिंगुलर होगी ये एक्चुअली एक कंडीशन दी है जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन में अभी पढ़ा कि भाई अगर एंड यूज़ हो रहा है तो हम उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर इसने जो है एक और कंडीशन दी है एक तरीके से एक कंडीशन दी है इसमें कि अगर दो सिंगुलर नाउंस और दो सिंगुलर प्रनाउन अगर किसी एक चीज़ के बारे में या किसी एक पर्सन के बारे में जो है बताते हैं या एक को डिनोट करते हैं तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा फॉर okay? example, द कलेक्टर एंड प्रेक्सीडेंट अब यहां पर देखिए दो यूज है देखिए यह पर्सन यहां पर यहां पर दो पर्सन यूज है सिंगुलर नाउंस है यहां पर ठीक है एंड भी है यहां पर लेकिन फिर भी यहां पर सिंगुलर यूज हुआ है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं एक ही मीटिंग में है मतलब कि यहां एक पर्सन के बारे में बात हुई है तो यहां एक पर्सन जो है मान के चल रहे हैं कि द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट एक चीज और ट्रिक बताऊं मैं अगर आपको इसके बारे में तो आप सिंपली समझ पाएंगे इजीली इसको जब कभी भी ये जो आर्टिकल होता है आप देखिए यहां पर दी यहां पर भी यूज है यहां पर भी यूज है ठीक है अगर सेंटेंस में जो है अगर एक जगह जो है यूज हो आर्टिकल तो हमेशा ध्यान रखना वहां पर एक पर्सन के बारे में बात हो रही है ओके ये अच्छे से समझना आप अगर आर्टिकल यूज हुआ है एक में ये देखिए यहाँ पर द कलेक्टर है यहाँ सिर्फ प्रेसिडेंट है ना कि दो प्रेसिडेंट है यहाँ देखिए द मैनेजर है ना कि डायरेक्टर के साथ द यूज नहीं हुआ है तो इन सिंपल वे में हम बात करें ये वन पर्सन के बारे में बात कर रहा है ओके so you can see the collector and president was present in the meeting so यहाँ है तो दो person लेकिन वो दोनों कहाँ पर मौजूद है meeting में तो एक ही meeting के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर हम एक person के बारे में बात करेंगे the manager and director of this school is a very kind man अब देखिए यहाँ पर दो person है फिर भी यहाँ singular use हुआ है उसका reason मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है चाहे दो सिंगुलर नाउन्स है या फिर दो प्रनाउंस है वो अगर एक ही पर्सन को डिनोट करते हैं या मानते हैं तो वहां पर सिंगुलर ही यूज होगा ओके और सिंपली आपको मैंने एक ट्रिक भी बता दी है अगर सेंटेंस के अंदर जब दो नाउन या प्रनाउन दे रखे हो तो वहां पर जो है अगर आर्टिकल में एक ही जगह आर्टिकल दे रखा हो तो इन सिंपली आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि वहां पर एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है ओके अब यहाँ देखिए फिर से जो एक्सेप्शन आता है इजीली समझ सकते हैं आप कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको इसको करने के बाद इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन यूज ट्वाइस सो दे आर टू पर्सन इन ईच सेंटेंस एंड सो द प्लूरल वर्ब इज यूज आपका जो डाउट अगर मन में रहा होगा बाई चांस तो ये आपका बिल्कुल डाउट क्लियर कर देगा वो डाउट आपका ये है कि अगर अच्छे से समझें आप काफी इंपॉर्टेंट रूल है ये ओके okay. अब देखिए ये कह रहा है जो नीचे सेंटेंस जो दिए हैं जो है वो दो बार यूज हुआ है ठीक है डिटर्मिन कह सकते हैं आप आर्टिकल भी कह सकते हैं क्योंकि आर्टिकल में भी दो आता है डिटर्मिन में भी जो है दो आता है ओके okay? तो डिटर्मिन जो है यहां पर दो बार यूज हुआ है ठीक है तो इसीलिए यहां पर कितने पर्सन के बारे में बात हो रही है भाई दो पर्सन के बारे में तो इसीलिए इस सेंटेंस शो द प्लूरल वर्ब इज यूज तो यहां पर क्या यूज होगा प्लूरल वर्ब यूज होगी फॉर एग्जाम्पल द कलेक्टर एंड द प्रेसिडेंट वर्ड प्रेजेंट इन द मीटिंग अब देखिए मैंने आपको समझाया था कि देखिए यहां पर दो डिटर्मिनेंट्स यूज हुए हैं यहां पर दोनों सेंटेंस में ठीक है एंड भी यूज हुआ है यहां पर और यहाँ देखिए प्लूरल जो है यूज हुआ है ये देखिए ओके सो so, ये पास टेंस के लिए है द कलेक्टर एंड द प्रेसिडेंट तो दोनों जगह डिटर्मिन यूज हुआ है तो यहां पर इसे क्या माना जा रहा है दो पर्सन है क्यों क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनट जो है दो बार यूज हुआ है ओके और दोनों एक ही मीटिंग को डिनोट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर्सन दो माने जा रहे हैं क्योंकि दोनों जगह आप देखिए यहां पर जो है डिटर्मिनट अलग अलग यूज हुआ है इसीलिए यहां पर इसके साथ क्या यूज होगा प्लूरल ओके सो हमने यहाँ दो कंडीशन पढ़ी है फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि अगर जो है दो सिंगुलर नाउन्स या प्रनाउन एक ही चीज को डिनोट करते हैं और अगर एंड होता है और अगर उसके साथ सिर्फ सिंपली एक ही आर्टिकल या फिर डिटर्मिनट जो है यूज होता है तो वो सिंगुलर माना जाता है तो उसके साथ सिंगुलर यूज होता है दूसरा रूल हमने देखा कि अगर डिटर्मिनेट जो है दो बार यूज हो रहा है तो वहां पर उसको दो पर्सन मान के चलेंगे और प्लूरल वर्ब यूज होगा ओके हमने एग्जाम्पल में भी देख लिया ठीक है सो so यहां दो डिटर्मिनेट्स यूज हुए हैं, इसीलिए यहां पर प्लूरल वर्ब यूज हुआ है ओके यू कैन सी ओके सो लेट्स टेक वन ट रूल थ्री है हमारा इफ टू सब्जेक्ट ज्वाइन विद एंड एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ वन थिंग और वन पर्सन सिंगुलर वर्ब इज यूज ओके अब यहां हमें ये कह रहा है अगर दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हुए हो और अगर वो किसी फीलिंग को मतलब अगर सपोज कीजिए दो पर्सन है भले ही वो एंड से जुड़े हुए हो दोनों ही उदास हो दोनों ही खुश हो दोनों ही भाग रहे हो दोनों ही कुछ कर रहे हो तो एक चीज को एक फीलिंग को एक थिंग्स को अगर वो बताएंगे तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा ओके यू कैन सी ओके सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल स्लो एंड स्टडी वेन्स द रेस तो यहां पर दोनों ही स्लो एंड स्टडी रेस को डिनोट कर रहे हैं एक ही चीज को तो यहाँ सिंगुलर जो है यूज हुआ है यहां देखिए आप ब्रेड एंड बटर दो सब्जेक्ट है यहाँ पर एंड से कनेक्टेड भी है लेकिन इसके साथ सिंगुलर यूज हुआ है क्योंकि ये दोनों ही चीजें एक तरीके से मानी जाती है एक थिंग्स को जो है डिनोट कर रही है या फिर एक फीलिंग को शो कर रही है तो यहां पर क्या आएगा सिंगुलर ओके लेट सी फोर्थ रूल इफ ईच, नन नो वन यू कैन सी ईच, नन नो वन एवरी इदर आर यूज बिफोर अ सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज यूज ओके अब यहां कंडीशन है ईच, नन नो वन और एवरी और ईदर अगर ये जितने भी हमने जो पढ़े हैं ये सारे वर्ड्स अगर सब्जेक्ट से पहले आते हैं बिफोर ए सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट से पहले आते हैं तो हमेशा आपको ख्याल रहे यहां पर क्या आएगा सिंगुलर वर्ब यूज होगी यहां पर ओके सो वी कैन टेक द एग्जांपल फर्स्ट ईच ओ सॉरी सिंगुलर वर्ड इज यूज ओके फर्स्ट नो वन वॉज तेयर सो फर्स्ट नो वन सिंगुलर हमने पढ़ाई है अगर ये सब्जेक्ट से पहले यूज होता है ठीक है तो हमेशा ये ध्यान रखना क्या होगा ये सब्जेक्ट से पहले ही हैं सारे देखिए आप सब सब्जेक्ट से पहले ही हैं हमेशा शुरुआत इसी से हो रखी है तो यहाँ सिंगुलर जो है वर्ब यूज होगा नो वन वॉज तेयर यहाँ सिंगुलर यूज हुआ है एवरी वन ओके एवरी वन सो यहां पर भी क्या यूज हुआ है सिंगुलर वर्ब, नन ऑफ द बॉयज अब देखिए यहाँ पर नन यूज हुआ है भले ही यहाँ पर प्लूरल है हमें वो देखना ही नहीं है इसने सिर्फ हमें यह बोला है अगर सब्जेक्ट से पहले यूज हो सब्जेक्ट से पहले तो हमेशा सिंगुलर यूज होता है इसीलिए यहां पर हैज यूज हुआ है ओके okay? नेक्स्ट ईच बॉय इज प्रेजेंट सो ईच यूज हुआ है सब्जेक्ट से पहले तो यहाँ सिंगुलर इधर ऑफ द टू सर्वेंट्स अब यहां देखिए इधर यूज हुआ है सब्जेक्ट से पहले भले ही ये प्लूरल है देखिए टू सर्वेंट्स सर्वेंट्स तो भाई प्लूरल ही होता है लेकिन हमें रूल देखना है ईच इधर एवरी नो वन हमें सिर्फ ये वाला रूल देखना है अगर ये सब्जेक्ट से पहले यूज हो रहा है देखिए आप सभी में यहां पर देखिए सभी सब्जेक्ट से पहले यूज हो रहा है भले ही सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर इट डजेंट मैटर फॉर अस वी हैव टू फॉलो द रूल और रेगुलेशन अबाउट द सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट दैट्स इट ओके सो यू कैन सी इधर ऑफ द टू सर्वेंट्स इज तो यहाँ पर जो है सिंगुलर यूज हुआ है एवरी चाइल्ड वॉज गिवन एन ऑरेंज सो यू कैन सी एवरी चाइल्ड सो सिंगुलर वर्ब यूज ही ओके सो हमें यह चीज देखनी है कि यहां पर कौन सा रूल जो है फॉलो हो रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट ओके सो लेट्स टेक द नेक्स्ट वन फिफ्थ रूल इफ टू नाउंस लाइक ईच एंड एवरी आर ज्वाइन विद एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज सिंपली अगर इसने बोला है हमें ईच एंड एवरी जो अगर एंड के साथ यूज होते हैं समझना ध्यान से ओके ईच और एवरी ठीक है अगर दो नाउन जो है ईच और एवरी के साथ मिलकर आते हैं और उनके साथ एंड आता है तब भी क्या यूज होगा सिंगुलर वर्ब वी कैन टेक द एग्जाम्पल फर्स्ट ईच बॉय एंड अब देखिए हमारी कंडीशन पूरी हो रही है यहां पर ये देखिए दो नाउन है ओके okay? यहाँ पर देखिए ईच बॉय ईच गर्ल ओके okay? दो सब्जेक्ट हो चुके हैं दो नाउन यूज हो चुके हैं और बीच में हमारा एंड भी आ चुका है ओके okay? तो यहां पर हमने पढ़ा सिंगुलर वर्ब आएगा तो यहां देखिए सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है ओके लेट्स टेक द अनादर एग्जाम्पल नेक्स्ट एवरी मैन एंड एवरी वुमेन ओके सो so, यहां पर भी दो नाउंस हैं मैन एंड वुमेन्स और दोनों के साथ यूज हुआ है एवरी और एंड भी यूज हुआ है ओके okay? तो यहां पर क्या यूज होगा सिंगुलर वर्ब तो यहां देखिए यूज हुआ है सिंगुलर वर्ब ओके सो कंटिन्यू सिक्स वन ओके इफ प्लूरल नाउन इज यूज आफ्टर मेनी वर्ब विल बी प्लूरल ओके अगर प्लूरल नाउन मेनी के बाद में यूज होता है ध्यान से समझिए आप इसे ओके okay? अगर प्लूरल नाउन जो है हमेशा मेनी के बाद में यूज होता है तो हमेशा ख्याल रहे आपको प्लूरल वर्ब ही यूज होगी फॉर एग्जाम्पल मेनी बॉयज ओके अब यहां देखिए पहले मेनी आया है उसके बाद में ही सब्जेक्ट आया है प्लूरल नाउन क्योंकि बॉयज बॉयज क्या है सबसे पहली बात बॉय नाउन है और ये प्लूरल नाउन है देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा बॉयज है ठीक है एक से ज्यादा बॉय है तो यहां पर मेनी बॉयज हैव फेल्ड इन एग्ज़ाम तो यहाँ देखिए प्लूरल यूज हुआ है कंडीशन क्या है हमारी प्लूरल नाउन अगर मैनी के बाद में आए तो देखिए मैनी पहले आ गया इसके बाद में प्लूरल नाउन यूज हुआ है तो हमने क्या पढ़ा प्लूरल वर्ब ही यूज होगा तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज हुआ है ओके okay? अब यहां पर एक और कंडीशन है ओके सो यू कैन सी ओके बट अब यहां नोट जो है स्पेशली थोड़ा ख्याल रहे बट इफ सिंगुलर नाउन इज यूज विद मेनी ए सिंगुलर वर्ब इज यूज अभी हमने ऊपर पढ़ा था मेनी यहां पर आपको ख्याल रहे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर मेनी ए है ये ध्यान रखना मेनी है तब तो डेफिनेटली प्लूरल आएगा और कंडीशन हमें पता ही है प्लूरल आएगा यहाँ पर मेनी ए है ये ध्यान रखना यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा मेनी ए के बाद ओके तो वहाँ पर सिंगुलर ही यूज होगा डाउट का कोई सवाल ही नहीं है मेनी के साथ प्लूरल यूज होता है इसीलिए प्लूरल आया है मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा ओके okay? बॉय डाउन तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है ओके सो तो okay? so, हमारा रूल कंप्लीट होता है इस बात को लेके अगर प्लूरल नाउन जो है मैनी के बाद आता है तो प्लूरल आता है मेनी बॉयज है और अगर नाउन जो सिंगुलर नाउन जो है मेनी ए के बाद आता है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा ओके सो मेनी ए बॉय वॉज ड्राउंड ओके इट मीन्स दैट मेनी बॉयस वर ड्राउंड ओके सो लेट्स टेक द अनादर एग्जाम्पल ओके ओके सेवन रूल सेवन है हमारा इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन विद अच्छे से समझें आप अगर दो सब्जेक्ट्स विद नोर और नोर ईदर और नीदर नॉर वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स एज अब ये कह रहा है अगर दो सब्जेक्ट जो किससे जुड़े हुए हो और के साथ नोर के साथ इधर और के साथ न इधर नोर के साथ वर्ब इज यूज एकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट तो डायरेक्टली इसने हमें आप कह दिया है भाई के जैसा पर्सन होगा ठीक है वर्ग उसी के हिसाब से यूज होगा अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर प्लूरल है तो प्लूरल सो so, वर्ब इज यूज एकॉर्डिंग टू पर्सन पर्सन के हिसाब से यूज होगा वर्ब ओके okay? या फिर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट के हिसाब से होगा अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सिंगुलर है तो सिंगुलर ओके पर्सन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर प्लुरल है तो प्लुरल ओके सो यहां पर इसने हमें क्लियरली बोल दिया कि भाई अगर इन इन चीजों से और नोर इधर और और नाइद नोर इनसे अगर जुड़ा हुआ हो तो वर्ब पर्सन के हिसाब से या फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से ही आएगा सो लेट्स एग्जाम्पल इधर हरी और मोहन हमने अभी पढ़ाई है इधर और इसे हम दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं डिफरेंटली ब्रिटिश uh, के हिसाब से और अमेरिकन के हिसाब से आइधर और भी पढ़ा जाता है या और इधर और भी पढ़ा जाता है इन द सेम वे नीदर नॉर या फिर नाइदर नॉर ओके सो डोंट ट्राई टू कंफ्यूज वाई आई एम जस्ट प्रनाउंसिशिंग ओके सो इधर हरी और मोहन हैज डन इट अब देखिए इन सिंपल वे में अगर इधर के साथ या फिर और के साथ अगर यूज होता है तो आप ध्यान रहे यहाँ पर सिंगुलर ही यूज होगा ठीक है इधर और तो यहाँ हैज़ ही आएगा मतलब सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा ओके न ही नोर आई एम यहाँ पर भी सिंगुलर यूज होगा ये ध्यान रहे आपको कैसे मोहन हैज़ आई एम ये ध्यान रहे ई e के हिसाब से नहीं है यहाँ पर्सन के हिसाब से आया है जैसे इसने हमें बोला है नंबर ऑफ द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द पर्सन के हिसाब से ही वर्ब यूज होगा तो यहां देखिए मोहन मोहन सिंगुलर ही है हैज यूज हुआ है आई के साथ एम यूज हुआ है और नाइदर नॉर है इसीलिए ये बात ध्यान रहे आपको सिर्फ आई की वजह से एम नहीं आया है यहाँ पर यहां आया है क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है नीदर एंड नॉर ठीक है इससे कनेक्टेड है इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर यूज हुआ है ये ख्याल रहे आपको जो पास में है ओके मोहन और हिज फ्रेंड्स हैव अब देखिए यहाँ पर ये और से कनेक्टेड है और यहाँ है फ्रेंड स्किल्स जो उसके पास में है ये ध्यान रखना क्योंकि इसने यही बोला है वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द पर्सन नंबर ऑफ द सब्जेक्ट तो यहां देखिए जो पास में है जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे तो मोहन हैज आई एम और हैव फ्रेंड्स plural प्लूरल है इसीलिए हैव यूज हुआ यहाँ पर तो आप देखिए यहाँ पर मोहन और फर्स्ट शर्त जो है आप कंप्लीट करना मत भूलना ठीक है आपको ये पता होना चाहिए यहाँ क्या यूज़ हुआ है इसकी इसी की वजह से यहाँ पर ये यह चीज़ आई है ओके सो लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल नाइदर शी नोर हर ब्रदर्स आर अब यहाँ देखिए ब्रदर्स आर ओके इधर शाम और हिज पेरेंट्स ओके हिज पेरेंट्स आर तो यहाँ शर्ट पूरी हो रही है और ये इधर ओके सो हमने सारी कंडीशंस पूरी हो रही है हमारी इसी की वजह से इसने हमें क्लियरली बोला है कि भाई वर्ग जैसी है क्योंकि पर्सन जैसा है उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे सब्जेक्ट जैसा है उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है इसे यूज किया है देखिए प्लूरल है तो प्लूरल यहां देखिए तीनों में प्लूरल है तो हमने प्लूरल यूज किया है टेंस के हिसाब से सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज किया है ठीक है यहां सिंगुलर है सिंगुलर यूज किया आई है इसीलिए यहां पर एम यूज किया है ओके अब ये कह रहा है भाई इन केस ओके इंपॉर्टेंट थिंग देयर एक्सेप्शन ओके केस थ्री पर्सनस आर यूज इन अ सेंटेंस वी शुड फॉलो द रूल ऑफ टू थ्री वन वी शुड यूज सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन इन दीरियल अब अच्छे से समझें आप इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये ये कह रहा है जैसे हमने क्या पढ़ा भाई यहाँ पर वन टू वन टू वन टू दो सब्जेक्ट पढ़े हैं हमने अभी ये कह रहा है सपोज कीजिए आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई तीन पर्सन को हम एक सेंटेंस में यूज करना चाहें ठीक है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम लाइफ में जो है दो ही सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं या दो ही पर्सन के बारे में बात करते हैं हम दो से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे यहां देखिए यहां पर जो है अगर तीन पर्सन यूज हो जाए ठीक है इन केस अगर तीन पर्सन यूज हो जाए एक ही सेंटेंस में तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे टू थ्री वन मतलब हम यूज करेंगे सबसे पहले सेकेंड पर्सन को लिखेंगे फिर थर्ड पर्सन को लिखेंगे फिर फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे तो यहां देखिए यू हमेशा जो है सेकंड पर्सन होता है ठीक है फिर रूल नंबर है हमारा थ्री तो ये चीज ध्यान रहे आपको ही हमेशा जो है क्या आता है थर्ड पर्सन के अंदर यूज होता है ओके okay? आई हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट पर्सन होता है ओके okay? सो so, ये रूल होगा और जो इसके जस्ट पास में होगा एक बात ख्याल रहे उसी के हिसाब से ही आप यहाँ यूज करेंगे ओके टू अटेंड द मीचिंग क्योंकि यहां पर देखिए वन टू एंड थ्री तीन पर्सन है तो नो no डाउट है आ आएगा क्योंकि प्लूरल हो चुका है ये ओके सो ये सीरीज रहेगी ये बात ध्यान रहे कभी भी अगर आप सेंटेंस में एक से ज्यादा किसी पर्सन को यूज कर रहे हैं ओके okay? तो उस कंडीशन में आपको यूज करना पड़ेगा टू थ्री वन दैट्स मीन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन ओके ओके सो नेक्स्ट रूल है हमारा रूल एट सम नाउंस अपियर टू बी प्लूरल अब ये कह रहा है कुछ नाउन जो होते हैं वो दिखने में कैसे लगते हैं प्लूरल ओके बट इन फैक्ट दे आर सिंगुलर एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज ओके सो हमें यह क्लियरली बता रहा है कि भाई जब कभी भी रूल क्या है हमारा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लुरल लगते हैं लेकिन होते क्या है वो सिंगुलर तो इसीलिए हमेशा उनके साथ क्या यूज होगा सिंगुलर वर्ब फॉर एग्जाम्पल दिस न्यूज इज नॉट ट्रू अब आपको पता ही है हम न्यूज तो दिखने में क्या लगता है ये प्लूरल है और इसके साथ सब्जेक्ट कौन सा यूज हुआ है देखिए सिंगुलर तो दिखने में तो ये प्लूरल माना जाता है न्यूज न्यूज का मतलब हम सोचते हैं बहुत सारी खबरें है ना कई बार हम बोलते हैं ना अरे यार आज कौन सी खबरें आई ये खबरें तो हिंदी में तो खैर हम किसी भी तरीके से कुछ भी एक्सप्रेस कर देते हैं क्योंकि वो हमारी मदर टंग है और डायरेक्टली अगर हम उसे इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो उसका थोड़ा मीनिंग चेंज होता है ठीक है जैसा आपने देखा होगा यू यू जो वर्ड होता है ठीक है तो यू वर्ड को हम क्या यूज़ करते हैं कई बार हम जैसे अगर एक भी पर्सन हो तब भी यू बोलते हैं बड़े हो छोटे हो एजेड हो सभी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में यू तो इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जब हम उसे चेंज करते हैं ओके okay, ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में तो प्लुरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर है, ठीक है सो so, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे न्यूज़ तो न्यूज़ हमेशा ख्याल रहे आपको सिंगुलर ही होता है ओके okay? नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स 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 अपने आप में प्लूरल माना जाता है दिखने में ठीक है लेकिन होता ये सिंगुलर है ओके सो यू कैन सी ओके नेक्स्ट द वेजेज ऑफ सिन इज दैट ओके वेजेज यू कैन सी दिखने में प्लूरल है लेकिन ये क्या है सिंगुलर वर्ब यूज होती है पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स इज ओल्सो ओके, सो यहां पर भी क्या यूज होगा सिंगुलर ओके okay? कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जैसे फिजिक्स मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं स्पेशली मैं आपको अगर बताऊं सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर ही माने जाते हैं ये ख्याल रहे आपको ओके okay? जैसे फिजिक्स है मैथमेटिक्स है ये सारे जो है क्या माने जाते हैं दिखने में तो प्लूरल ही लगते हैं देखिए आप फिजिक्स मैथमेटिक्स लेकिन होता क्या है ये सिंगुलर ओके सो लेट्स टेक ओके सम नाउंस अपियर टू बी सिंगुलर अब यहां इसका अपोजिट आ गया कि कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं बट दे आर इन इनफैक्ट प्लूरल लेकिन होते क्या है वो प्लूरल सो प्लूरल वर्ब इज यूज ओके सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल The cattle are grazing in the field. Okay, cattle दिखने में तो singular लगता है लेकिन cattle क्या है plural है Okay, इसीलिए यहां पर जो है plural verb use हुआ है Next देखिए many people, many people, no doubt है जो है people अपने आप में ये singular लगता है लेकिन ये group होता है ठीक है तो यहाँ क्या है many people were killed. इसीलिए यहां पर क्या यूज हुआ है प्लूरल दीज वर्मिन वर्मिन दिखने में सिंगुलर है लेकिन होता प्लूरल है ओके टू डजन डोज अब यहाँ पर डजन जो है दर्जन जिसे हम कहते हैं कई बार के इतने किलो जो है दर्जन जो है मैंगो लेके आ जाना ठीक है तो यहाँ डजन जो है टू डजन मैंगोज कोस्ट रूपीज टू हंड्रेड ओके कोस्ट ठीक है, सो टू डजन मैंगोस द पुलिस हैव पुलिस भी हम मानते हैं कि भाई ये तो सिंगुलर ही है लेकिन पुलिस हमेशा ध्यान रखना प्लुरल माना जाता है ठीक है क्योंकि एक एक ग्रुप के तौर पर माना जाता है पुलिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया में एक ही पुलिस है पुलिस का मतलब कॉमन नाउन के तौर पर हम ले सकते हैं ऐसे ग्रुप ग्रुप जो होता है ठीक है तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे द पुलिस हैव अरेस्टेड द डेकोइ्स ओके तो इसीलिए यहां पर क्या यूज हुआ है प्लूरल ओके सो लेट सी द टेंथ वन इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विद एज वेल एज और अलोंग विद और विद फिर से समझिए द टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट अगर दो सब्जेक्ट किसके साथ जुड़े में हो एज वेल एज अलोंग विद और विद वर्ब्स एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट ओके ध्यान से समझिएगा डाउट नहीं होना चाहिए तो हमेशा ध्यान रखना अगर सब्जेक्ट ये कह रहा है दो सब्जेक्ट अगर ज्वाइन हो एज वेल एज से अलोंग विद से और विद से तो वर्ब हमेशा ध्यान रखना किसके साथ जाएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जो भी उसका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा चाहे सिंगुलर है तो सिंगुलर प्लूरल है तो पर, हमने पढ़ा है कि भाई दो सब्जेक्ट अगर एज वेल एज अलोंग विद या फिर विद के साथ यूज होता है तो हमेशा ख्याल रहे कि वो फर्स्ट सब्जेक्ट तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर ही तो ही कौन सा सब्जेक्ट होता है अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा है सिंगुलर ओके okay? तो इसीलिए यहां पर क्या यूज हुआ है देखिए सिंगुलर ठीक है यहां पर भी देखिए लेक्स्ट एक एग्जांपल यू एज वेल एज ही तो यू के हिसाब से यहां पर आ रहा है क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमें लेना है अब यहां देखिए द लेडी तो द लेडी सिंगुलर है तो यहां वॉज आया है ओके नेक्स्ट द चीफ चीफ इज अल्सो जो है सिंगुलर तो यहां पर फर्स्ट पर्सन के हिसाब से सिंगुलर आया है ये देखिए क्योंकि तो हमें बोला ये है इसने सो टू सब्जेक्ट के हिसाब से हमने देख लिया के एज वेल एज या फिर अलोंग विद या फिर विद ठीक है अगर ये कभी भी यूज होता है तो हमेशा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम जो है वर्क फॉर्म लगाएंगे तो आप देख लीजिए फर्स्ट जो है एज वेल एज से कनेक्टेड है ओके okay? तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर है तो सिंगुलर प्लुरल है तो प्लुरल ओके सो द लेडी वॉस द चीफ वॉस ओके सो so, हमारा जो uh, है कि अगर एज वेल एज अलोंग विद या विद के साथ जुड़ा हुआ है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही आएगा ओके सो लेट्स टेक द नेक्स्ट वन इफ प्रिपोजिशन अब देखिए यहां पर इफ प्रिपोजिशन इज यूज बिटवीन टू सब्जेक्ट वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट ओके सो आप देखिए इसने कहा है कि अगर प्रपोजिशन जो है दो सब्जेक्ट के बीच में आ जाए ठीक है प्रपोजिशन अगर दो सब्जेक्ट के बीच में आ जाए तो वर्ब हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी सिंगुलर है तो सिंगुलर प्लुरल ओके okay. सो so, प्रपोजिशन इज यूज बिटवीन टू सब्जेक्ट वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट ओके सो हमें अगर प्रपोजिशन के बीच में ठीक है दो सब्जेक्ट के बीच में अगर प्रपोजिशन आता है तो हमें हमेशा ध्यान रखना है फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगानी है अगर फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर प्लूरल है तो प्लूरल ओके सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल द बुक ऑन अब देखिए यहां पर दो सब्जेक्ट है द बुक एंड द टेबल ओके सो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा दो सब्जेक्ट है ओके ओके सो द बुक द टेबल ये देखिए दो सब्जेक्ट है हमारे द बुक द टेबल लेकिन हमें क्या बोला है फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से और देखिए यहाँ पर बीच में प्रपोजिशन है ऑन तो द बुक बुक क्या है सिंगुलर है इसीलिए यहां पर क्या यूज हुआ है सिंगुलर ओके सम बुक्स ऑफ माई ब्रदर तो देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट ओके तो दो सब्जेक्ट हो गए हमारे बीच में हमारा जो है प्रिपोजिशन है फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हमें लगाना है तो देखिए सम बुक्स बुक्स क्या है प्लूरल है तो यहां पर क्या यूज हुआ है प्लूरल ओके सुशीला विद हर फ्रेंड्स सुशीला एक सब्जेक्ट हर फ्रेंड्स सेकेंड सब्जेक्ट और बीच में प्रिपोजिशन है विद ओके तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से है तो सुशीला हैज ओके तो अगर बीच में अगर दो सब्जेक्ट दे रखे हो और बीच में अगर प्रिपोजिशन आ जाए तो हमेशा ख्याल रखना है हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर है तो सिंगुलर प्लुरल है तो प्लुरल ओके सो तो आपको कभी भी अगर ऐसे सेंटेंस देखने को मिल जाए जहां पर दो सब्जेक्ट हो ठीक है और बीच में अगर प्रिपोजिशन यूज हो रही हो तो हमें हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही जो है वर्क फॉर्म लगानी है सिंगुलर है तो सिंगुलर प्लूरल है तो प्लूरल ओके सो लेट्स टेक ट्वेल्थ जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल है बोथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स कैन बी यूज सब्जेक्ट नन अब ये हमें कह रहा है कि नन जो है नन के साथ हम कभी भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यूज कर सकते हैं ठीक है सो so, आपको यहां टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप नन के साथ सिंगुलर यूज करते हो तब भी सही है और अगर प्लूरल यूज करते हो तब भी सही है क्योंकि रूल ये है कि बोथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कैन बी यूज विद द सब्जेक्ट्स नन तो नन के साथ दोनों ही यूज होती है सिंगुलर भी और प्लूरल भी लेट्स टेक द एग्जाम्पल नन इज रेडी टू गो देर या फिर नन आर रेडी टू गो देर दोनों ही सही है अगर मैं इसे यहाँ पर आर को हटा दू यहाँ पर ठीक है तो नन इज रेडी टू गो देयर या फिर अगर इसको हटा दू नन आर रेडी टू गो देयर तो दोनों ही कंडीशन सही है रूल के अकॉर्डिंग ओके नेक्स्ट सिंगुलर वर्ब इज यूज विद इट ओके इट के साथ हमेशा ख्याल रहे आपको सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है कभी भी जब कभी भी अगर आप इट को यूज कर रहे हैं तो इट के साथ हमेशा ख्याल रखे आप कि आप हमेशा उसके साथ क्या यूज करेंगे सिंगुलर क्योंकि रूल यही है भाई इट के साथ हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है लेट्स देखते एग्जाम्पल इट इज वेरी कॉल्ड इट हैज इट हैज मींस सिंगुलर परफेक्ट टेंस है ये ठीक है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है यहां पर लेकिन यहां सिंगुलर के साथ यूज हुआ हैज ओके सो okay? so इसीलिए यहां पर इट हैज यूज हुआ है यहां पर इट इज यूज हुआ है ओके सो लेट्स टेक द लास्ट ओके सम इंपॉर्टेंट जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स थे उन्हीं में से हमारा एक इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं लेने जा रही हूं लास्ट वन ओके इन सम सेंटेंसेस समेजनरी कंडीशन और विस इज एक्सप्रेस इन सच सेंटेंसेस वर्ब इज यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट अब ये कह रहा है अगर कुछ सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इमेजनरी कंडीशन या विश इमेजनरी कंडीशन मतलब जो हमारी तमन्नाएं होती हैं या हमारी विश होती काश मैं प्रेसिडेंट बन जाता काश मेरे पास दस करोड़ रुपए होते काश मैं यहाँ का राजा होता काश मैं अमीर होता काश मैं पतला होता काश मैं मोटा होता ओके okay. काश में गोरा होता काश में काला होता तो ये इमेजिनेशन जो है इमेजनरी कंडीशन जो है जो हम हमारी विश करते हैं तमन्नाएं करते हैं इमेजिनेशन करते हैं भले ही उससे हमारा दूर दूर तक का नाता ही ना हो कि काश में अंबानी होता काश में टाटा बिरला होता लाइक दिस ओके सो जो हमारी इमेजनरी कंडीशंस हैं ओके जिन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं तो इन सभी कंडीशन के अंदर स, जो है हम हमेशा क्या यूज करते हैं वर यूज सिंगुलर सब्जेक्ट अब देखा जाए अगर टेंस के हिसाब से तो वर तो भाई प्लूरल के साथ यूज होता है लेकिन क्या करते हैं हम हम करते हैं यहां पर अगर इमेजनरी यहां ध्यान रहे आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर इमेजनरी कंडीशन है अगर विशो हो रहा है उस सेंटेंस के अंदर उस कंडीशन में ही सिर्फ हम वर यूज करेंगे क्योंकि जहां पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर आ जाए तो ऑटोमेटिक हम समझते हैं कि वो सेंटेंस इमेजनरी कंडीशन है या फिर विश फुलिंग है मतलब जो भी हमारी तमन्नाएं हैं जो हो ही नहीं सकता लेकिन फिर भी तमन्नाएं तो करना हमारा क्या बनता है फर्ज बनता है ठीक है क्योंकि हमारी जो है तमनाएं पूरी हो ना हो कम से कम सपने देखने का तो हक है हमारा राइट सो यहाँ पर जो है वर यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ओके सो लेट्स टेक द एग्जांपल आई विश आई वर अ प्रिंसिपल ये तो स्टूडेंट्स कभी कभी जब सोचते होंगे जब आपको आपका प्रिंसिपल जो है बहुत परेशान करते होंगे या फिर टीचर्स परेशान करते होंगे तो सोचते काश मैं प्रिंसिपल होता तो एक महीने की छुट्टी दे देता बच्चों को गेम पीरियड ही गेम पीरियड दे देते राइट right? क्योंकि ये मोस्टली स्टूडेंट्स की थिंकिंग होती है तभी तो आप प्रिंसिपल बनने की तमन्ना रख रहे हैं ओके सो आई विश आई वर्ड प्रिंसिपल काश आई विश मतलब काश मैं जो क्या होता प्रिंसिपल होता ओके okay? सो so इसीलिए यहाँ पर आई के साथ वर्ड यूज हुआ है ओके okay? सिंगुलर है फिर भी प्लूरल यूज हुआ है क्योंकि इमेजनरी कंडीशन है मतलब तमन्नाएं सपनों की दुनिया ओके okay. सपनों की दुनिया है जो कभी हकीकत नहीं हो सकती लेकिन फिर भी हम सपने देखना थोड़ी ना छोड़ दें ठीक है ओके okay. क्या पता कभी कभार बाई चांस ऐसा कुछ टुक्का ही जाए और काश वो सपना हकीकत हो जाए ठीक है खैर ये तो फिल्मों में होता है हकीकत में तो नहीं होता है ठीक है आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओके काश आई विश मैं उम्मीद करती हूँ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओके काश मैं जो है प्राइम मिनिस्टर होता या होती इंडिया की ओके okay? सो so, ये भी आपका काफी अच्छा सपना है ओके okay, सो so, ये भी इमेजिनेशन है हमारी सो आई वर ओके लेट्स टेक द दादर एग्जाम्पल वर शी हियर शी वुड काश वो यहां होती काश वो यहाँ पर होती तो मेरी मदद कर देती जैसे कभी कभार आपने देखा होगा हम इतनी मुसीबत में आ जाते हैं हम ना होने वाली हरकतें सोच बैठते हैं जैसे काश मैंने ये चीज़ देखी ही नहीं होती तो मैं गड्ढे में नहीं गिरती काश मैं अगर वहाँ नहीं गई होती तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता काश अगर आज मैं स्कूल नहीं गई होती तो मुझे डांट नहीं पड़ी होती काश 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 और काश ओके So, जो हो चुका उसे तो हम कभी भी नहीं बदल सकते लेकिन हाँ इंसान है ना हम इंसानी फितरत कभी भी नहीं जा सकती कि हम इमेजिनेशन में तो सोच ही बैठते हैं और उसने मुझे थप्पड़ मारा था काश मैं उसको भी वापस थप्पड़ मार लेता या मार लेती ठीक है तो यहां पर भी वही कंडीशन है काश वो अगर मेरे साथ होती तो वो मेरी मदद कर पाती ओके इफ आई वर द चेयरमैन काश में जो है चेयरमैन होता या होती तो ऐसा कर देती मैं वैसा कर देती काश आई वर अ पॉलिटिशियन काश मैं पॉलिटिशियन होता तो लोगों को घुमाता ही रहता अपने इरादों में जो कभी ना पूरे होते हैं. ठीक है ओके सो जितने भी हमने यहाँ पर जो है फोर्टीन रूल्स जो पढ़े हैं वैसे तो ट्वेंटी फाइव रूल्स होते हैं सो आई विल बी कंटिन्यू विद माई नेक्स्ट वीडियो टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ओके सो यहाँ पर मैंने जो है मोस्टली आप लोगों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स हैं वो कवर किए हैं आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और एक और वीडियो जो मेरा नेक्स्ट आने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही जिसमें आपके टोटली totally, जितने भी रूल एंड रेगुलेशन हैं उसके जितने भी रूल्स हैं वन टू ट्वेंटी फाइव जो रूल्स हैं मेनली वो सारे ही मैं आपके जो है वन टू ट्वेंटी फाइव के लिए एक वीडियो बना रही हूँ सो आई होप सो आपका जितना भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा यहां पर मैंने मेनली जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपकी लाइफ में फॉर काम आएंगे बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली एनी काइंड ऑफ क्लास दैट यू कैन यूज इन नाइन टेंथ इलेवन ट वट एवर इट इज जितनी भी या कैसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो चाहे आप पढ़ाई भी ना भी कर रहे हो तब भी आप लोगों के लिए ये ख्याल रहे कि चाहे हमारा स्पीकिंग हो चाहे लिसनिंग हो चाहे राइटिंग स्किल्स हो सारी की सारी जो डिपेंड्स करती है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ही करती है क्योंकि इंग्लिश जो है वो इसी पे ही डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से उसे बोल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं तो आपको जो है अच्छे से अच्छे आपको जो है इन रूल को जो है प्रैक्टिस करनी है घर पे समझना है वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे और अच्छे से जो है आप इसे जो है कर पाए ओके सो जो मेरे नए व्यूवर हैं मेरे चैनल में वो सब्सक्राइब करें एंड प्लीज आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटिंग वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल नास पाठशाला अगर आप नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और आप सारे वीडियो देख सकते हैं जितने भी जो ग्रामर से रिलेटेड है जो लाइफ स्किल्स से रिलेटेड है या सब्जेक्ट्स वगैरह से जो भी आप लोगों का रिलेटेड सब्जेक्ट्स है ग्रामर है वोकेबलरी है या स्पीकिंग स्किल्स है तो आप सभी वीडियो देख सकते हैं चैनल में Okay so I hope so you like this video take care bye bye see you in the next